धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। सायंकाळ सत्र सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आपण पाहतोय अप्पर तुडील आयोजित सरपंच चषक 2023 दुसरा दिवस सायंकाळचं सत्र, इथे सेलिब्रेशन आहे, इथे जल्लोष तुम्हाला बघायला भेटतोय। कारण यजमान संघाने पराजित केले आयशा 11 तुडील संघाला, आणि त्यानंतरचा जज बघा, त्यानंतरचा जल्लोष बघा, व्हाट अ मॅच, मौसम ऑन फायर होता। अनिकेत चव्हाण आणि त्याचबरोबर त्याचा सहकारी खेळाडू यहाँ पर जो शायकीन आए हैं, अब्दुल्ला काजी, अजिया पलोकर, समीर पलोकर, मोहम्मद खान देशमुख, बाबा भाई हमारे रियाज भाई और गुलजार भाई, जावेद भाई, अब्दुल गफ्फार जान, मोहम्मद खान देशमुख जिनके बरकरदार ये है, ये उनके बेटे जो मोहसिन, इनके बाप वाले साहब बहुत ही बेहतरीन, अहमद खान मामू और जितने भी शायकीन हमसे यहाँ पर जुड़े हैं, जिया जमान, इनका भी हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सभी शायकीन का एक बार फिर, कहीं मत जाइएगा शायकीन, रोमांचक मैच होने वाला है। इस आखिरी पड़ाव में दिलचस्पी बरकरार है, मैच दिलचस्प होने वाला है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओवर टू सागर सर। या वेला पहला चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर, ये तो इथे तलाच्या बॅट मधून षटकार, वा सुरुवात काय धमाका झाले दोस्तों। हम अक्सर कहते बड़े वो नहीं होते जिनके बाप बड़े होते, बड़े तो वो होते जो जीत पर आड़े होते। इथे ते चित्र आपण बघितलं, काय जबरदस्त बैटिंग मौसम ने केली, आणि अगदी तीच लय इथे तलाकडनं आहे। ओहो हो हो, पुन्हा एकदा बैक टू बैक चेंडू सीमारेषा बाहेर, येतोय ते जबरदस्त षटकार। सायंकाळच्या सत्रामध्ये हा खेळाडू नेमकं काय खाऊन आलाय, काय विस्फोटक बैटिंग आपण पाहतोय। आतापर्यंत 12 या धावसंख्येवरती खेळतो, हल्ला बोल केलाय, कदाचित मौसमची रू याच्यामध्ये आले की काय असं चित्र मैदानामध्ये पाहायला भेटते। व्हाट अ बॅट, ओहो यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक मोठा फटका, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, परंतु बघायचं नेमकं काय घडलेलं आहे। चांगली जजमेंट, चांगलं कलेक्शन पाहायला मिळते तिथे, नक्कीच इथे चार दबा रोखलेले आहेत, अन्यथा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी जाऊ शकला असता। एक एक धाव इथे क्रिकेटमध्ये फार महत्त्वाचे आहे। तला ज्याने मागच्या मॅचमध्ये सामनावीराचा मान देखील पटकवला, दोस्तों इतर से कपडो का महक ना कोई बड़ी बात नहीं, इतर से कपडो का महक ना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आती है जब खुशबू तुम्हारे किरदार से आने लगे, आणि तेच किरदार इथे पाहतोय आपण। वाह, पुन्हा एकदा मोठा फटका, चेंडू सरळ चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर, येतोय इथे या षटकातला तिसरा षटकार। वेल प्ले, दॅट्स अ सुपर आउटस्टँडिंग बॅटिंग। यावेळेला खरं तर स्पीचलेस करणारी फलंदाजी आपण पाहतोय, हा जल्लोष आहे, सेलिब्रेशन तुम्ही बघू शकता। सरपंच चषक 2023 चा हा जबरदस्त सोहळा आपण पाहतोय, आणि या क्रिकेटच्या कुंभमेळ्यामध्ये प्रत्येक क्रीडा रसिक अगदी नाहून निघालेला आपल्याला बघायला भेटतोय। फुल टच करून घेतलाय, मोठा फटका खेळलेला आहे, आपण पाहतोय तला त्या ठिकाणी आहे, परंतु जोपर्यंत चेंडूवरती येतील चेंडू अडवला जाईल, इथे कंप्लीट होईल एक धाव, आणि धाव फलकात एक ने पुढे सरकत असताना स्कोरबोर्डवरती धावा झाले 21-21, अर्थात इथे माहिती आहे तलाला समोर अरबाजची टीम आहे, ज्या अरबाजने 13 चेंडूमध्ये 50 धावा बनवल्यात। जहीर वारेकर साहेब देखील आहेत इथे, त्याचबरोबर त्यांचं देखील या मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत करूया। पुन्हा एकदा अनिकेत चव्हाण आता या षटकामध्ये पहिल्यांदा स्ट्राईक वरती, वा पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळलाय, नो मॅच लँड परिसरामध्ये चेंडू चाललाय वन बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर, इथे येतोय चौकार। वेल प्ले, संघाची धावसंख्या 25 पर्यंत पोहोचले, सायंकाळच्या सत्रामध्ये मैदानाला अगदी आग लावले, इथे कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। इथे जर आपण बघितलं तर कौतुकांच्या फुलांची ओंजळ करून या दोन खेळाडूंवरती मुक्त हस्ते उधळण करावी अशी बॅटिंग जणू काही मैदानामध्ये सुरू आहे। वेल प्ले, सुरुवातीला आपण बघितलं दमदार सुरुवात केली तलाने, आणि त्याच्यानंतर चार छंद लावतो या षटकाच्या अगदी शेवटच्या चेंडूवरती अनिकेत चव्हाण,
परवा जय भवानी नडगाव यांच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या स्पर्धेमध्ये हा खेळाडू प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा मानकरी ठरला आणि त्याला सायकल देखील मिळाली सामनावीर मालिकावीराच्या रूपामध्ये। तोच खेळाडू इथे पुन्हा एकदा विस्फोटक बॅटिंग करेल, परंतु नजर आहे तलाच्या बॅटवरती, काय अप्रतिम बॅटिंग करतोय, व्हाट अ बॅट। 21 या धावसंख्येवरती नाबाद आहे, 5 चेंडूला तो सामोरा गेलाय। त्यानंतर आता गोलंदाजीसाठी आता आहे तलहा आलाय आणि त्याच्या समोर आहे तला। या दोन खेळाडूंमधले बॅटल इथे पुन्हा एकदा रंगलं जाईल। ओवर द विकेट मारा, वा पुन्हा एकदा बॉटमॅनचा सुरेख वापर, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक, चेंडू विरकावलाय सीमारेषेच्या बाहेर, येतोय षटकार, वेल प्ले। पता नहीं जना भाई कौन से चक्के का आटा और कौन से बिस्लरी का दूध पीकर ये बंदा इतने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। दैट्स अ सुपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मन्स, या वेला कौतुक करावं लागेल। या वयामध्ये देखील जी जिद्द आणि जिगर त्याने दाखवले ती कौतुकास्पद राहिले। त्याला पुन्हा एकदा तयार होईल ओर द विकेट। यावेळेला कोलवरचा चेंडू पुन्हा एकदा भिरकवलेला आहे, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे। एक धाव इथे कंप्लीट होईल, दुसरी धाव घ्यायची आहे, परंतु इथे अनिकेत चव्हाणने सांगितले नाही आहे सिंगल धावेवरती सॅटिस्फाय, कारण ही विकेट फार महत्त्वाची आहे बॅटिंग करणाऱ्या संघाच्या दृष्टीने। जर एखादी विकेट इथून गेली तर नक्कीच कमबॅक होऊ शकतं ते नडगाव संघाचं, आणि त्याचसाठी इथे प्रयत्न सुरू आहेत गोलंदाजाचे म्हणजेच तलाचे। अनुभवी असा गोलंदाज आहे, अनेक मॅचमध्ये विकेट टेकिंग डिलिव्हरी टाकलेत, एक संकटमोचक गोलंदाज म्हणून देखील ओळखला जातो। मागच्या मॅचमध्ये देखील त्याने खूप चांगली इनिंग पेश केली, दोन बहुमोलाचे झेल देखील पकडले आणि प्रतिस्पर्धी संघाला बॅकफुटवरती पाठवलं। तोच तला गोलंदाजी मार्गवरती तयार होईल, समोर आहे पुन्हा एकदा अजून एक ब्रह्मास्त्र अनिकेत चव्हाण, मॅन फ्रॉम तेलंगे, तयार होतोय अप्पर तुडीलच्या या ऐतिहासिक मैदानावरती। सामोर जाईल तलाला, ज्याच्यावरती तलाने मोठं आक्रमण केलंय। यावेळेला अकोट टप्प्याचा चेंडू हवाई फायर, नो मॅन्स लँड परिसरामध्ये चेंडू खेळलाय, एक धाव इथे कंप्लीट केले, दुसऱ्या धावेसाठी कॉल केलाय, दुसरी धाव देखील इथे कंप्लीट होईल। स्कोरबोर्डवरती खूप चांगली रन भेटून विकेट आहे दोन्ही खेळाडूंच्या दरम्यान, धावसंख्या बघा दोन्ही पुढे सरकलेली आहे। स्कोरबोर्डवरती धावा झालेत 34, पहिल्या षटकामध्ये 25 आल्या, त्याच्यानंतर दुसरं षटक अजून देखील आपण बघतोय सुरू आहे, मोठे फटके येऊ शकतात। अनिकेत चव्हाणच्या विरोधात तला गोलंदाजी करतोय, लॉंग ऑनला चेंडू खेळून काढला, एक धाव इथे कंप्लीट होईल, दुसरी धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न होत नाही आहे कारण स्ट्राईकवरती आता येतोय पुन्हा एकदा तला। हे खऱ्या अर्थानं तेलंग्यातून अप्पर तुडीलमध्ये कुठेतरी वादळ घोंगावत आलेलं आहे आणि हे वादळ आता किती नुकसान करेल नडगाव संघाचं हे बघणं गरजेचं आहे। आपण जर बघितलं तर रेल्वे स्टेशनच्या पटरीच्या पलीकडे नडगाव आहे आणि हे वादळ अगदी नडगावला कुठेतरी नेस्तनाभूत करेल की काय। वा चेंडू चाललाय नडगावच्या दिशेने, हे तेलंग्याचं वादळ तुटून पडलंय नडगाववरती, चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या बाहेर, येतोय इथं बिग हिट षटकार। व्हॉट अ वंडरफुल, व्हॉट अ सुपर बॅटिंग, आज खऱ्या अर्थानं फिसलेस करणारी बॅटिंग आपण पाहतोय तलाकडनं। मला वाटतं त्याच्या करिअरमधली तो आज सर्वोत्तम कामगिरी इथे पार पडतोय। मौसमचा देखील रेकॉर्ड ब्रेक करेल का, यस इथे बिग हिट आहे, चेंडू बॅक टू बॅक सीमारेषेच्या बाहेर षटकार। धावसंख्या आता वेगाने पुढे सरकते आहे, धावा झालेले आहेत, आमचे स्कोरर बिजी आहेत, आमची टेनिस क्रिकेट .in ची संपूर्ण टीम आता बिजी झाले कारण समोर इथं महाप्रलय आलाय। 2019 निसर्ग चक्रीवादळ आलं, या वादळामध्ये नडगावचं एवढं नुकसान नव्हतं झालं जेवढं की नुकसान आता इथे तेलंग्याच्या वादळासमोर झालंय। तला ऑन फायर, धावसंख्या पोहोचली, धावसंख्या झालेली आहे 47, तला खेळतोय 40 या धावसंख्येवरती। वा व्हाट अ सुपर, व्हाट अमेझिंग मॅच, 47 पैकी 40 धावा एकट्या तलाच्या आहेत या स्पर्धेतली। अजून एक अर्धशतक आपल्याला पाहायला भेटेल का, 9 चेंडूमध्ये 40 धावा बनवलेत या स्पर्धेमध्ये, 12-13 चेंडूमध्ये अरबाजने अर्धशतक कंप्लीट केलंय, त्याचा रेकॉर्ड ब्रेक होईल का हे बघणं गरजेचं आहे। अनिकेत चव्हाण इथे तयार होतो, लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू पेच झालाय, पंथांचा स्वेअरचा इशारा आलाय, एकदा इथे स्कोरबोर्डवरती कंप्लीट होते 48 धावा, धावपालकावरती कंप्लीट झाले 40 धावांवरती खेळतोय तला जो की नॉन स्ट्राईक मार्कवरती आहे। अतिशय अप्रतिम अशी बॅटिंग आपल्याला त्याच्याकडनं पाहायला भेटते, ताबडतोब फलंदाजी, गोलंदाज तयार। अनिकेत चव्हाणसाठी अकोट टप्प्याचा चेंडू, मोठा प्रहार, यस इथे क्षेत्ररक्षक आहे, नो मिस्टेक,
फलंदाज बा डेकआउट कडे परतते पहिली विकेट बॅक टू पॅवेलियन परंतु इथे बघा तीन षटकांमध्ये त्याला त्याची जी काही कामगिरी करायची होती ती करतोय अजून देखील त्याला तर दुसरीकडे संयमी बॅटिंग करणारा अनिकेत चव्हाण हातबाद झालेला आहे 48 या धावसंख्येवरती मुनीर देशमुख सर पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे आणि 48 पैकी 41 धावा आपण पाहतोय सॅम्स इलेवन तेलंगे संघाचा हा जो स्टार खेळाडू आहे त्याला याच्यासाठी आपण पाहतोय 2500 रुपयाचं कॅश प्राईज आलेलं आहे वेल प्ले एकदा जर तलाची बॅटिंग आवडली असेल क्रीडा रसिकांना विनंती आहे जोरदार टाळ्या बाजूला काही हरकत नाहीये 40 या धावसंख्येवरती खेळतोय 9 चेंडूला सामोरा गेलाय या स्पर्धेमध्ये 13 चेंडूमध्ये अर्धशतक ठोकलंय अरबाजने त्याचं इथे रेकॉर्ड ब्रेक होतंय का बघायचं सुफियान यांच्याकडून सोफियान यांच्याकडून आले 2500 रुपयाचं कॅश प्राईस ओ है यावेळेला चेंडू बघा पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा धावचीची संधी आहे फलंदाजी ते बाद परंतु तलासाठी तो त्याची विकेट गमावतोय काही हरकत नाहीये इथे स्ट्राईक जास्तीत जास्त वेळ तलाला मिळणं गरजेचं आहे नेमकं काय घडलंय मैदानामध्ये हे बघणं गरजेचं आहे कोणता फलंदाज बाद झालाय डॉट बॉल आहे काय घडलंय ते बघणं गरजेचं आहे मैदानाच्या आतमध्ये इथे डॉट बॉल आलाय प्रेशर आता क्रिएट होईल मोठा फटका खेळण्यापेक्षा सिंगल धाव घ्यावी लागेल स्ट्राईक वरती आणावं लागेल तलाला ज्याने दोन षटकांमध्ये विस्फोटक बॅटिंग केली आहे ओहो यावेळेला फुल टॉच करून घेतलाय चेंडूला खेळून काढलं जातं शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये पंचांच्या अगदी समोर चेंडू खेळून काढला एकदा इथे कंप्लीट होईल धावसंख्या आता एकने पुढे सरकत असताना स्कोरबोर्डवरती धावा झालेत 49 49 40 या धावसंख्येवरती खेळतोय त्याला अर्धशतक कंप्लीट करण्यासाठी गरज आहे 10 धावसंख्येची या स्पर्धेतले चौथं अर्धशतक ठरू शकतं आजच्या दिवसामधलं बघायचं इथे ते अर्धशतक कंप्लीट होईल का फास्टेड हाफ सेंचुरी ते तलाच्या नावावरती नोंदवली जाईल का हे अनेक प्रश्न आहेत त्याचं उत्तर शोधण्याचा केला जातोय इथे प्रयत्न गोलंदाज तयार समोर आहे तला ओहो यावेला हवाई फायर आहे गगनचुंबी फटका एक धाव तर कंप्लीट इथे कॅच ड्रॉप दोन धावा कंप्लीट होतील तिसऱ्या धावेचा कोणताही संभव नाहीये कॅचेस विन द मॅचेस छोडो कॅच हारो मॅच पकडो कॅच जितो मॅच कॉन्फिडन्स तुमच्याकडे पाहिजे होता सोपा जेल होता अगदी शोले चित्रपटातला ठाकूर देखील पकडू शकला असता एवढा सोपा जेल होता परंतु कॉन्फिडन्स कुठेतरी गमावलाय कारण गोलंदाजाला माहिती आहे समोर आहे त्याला जो भुई सपाट करू शकतो गोलंदाजीला आणि खऱ्या अर्थानं उद्ध्वस्त करू शकतो क्षेत्ररक्षणाला ते चित्र मैदानामध्ये आपण पाहतोय त्याला तयार आहे ओहो यावेळेला मोठा फटका पुन्हा एकदा हवाई फायर 2 ते 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली इथे आपण पाहतोय मिस होतोय क्षेत्ररक्षक दोन धावा कंप्लीट होतील आणि कदाचित इथे शेवटच्या बघूया अजून किती चेंडू शिल्लक आहेत 6 धावांची गरज असेल आतापर्यंत जर आपण बघितलं तर 11 चेंडूमध्ये 44 धावा बनवलेत इथे 12 चेंडूमध्ये फास्टेड हाफ सेंचुरी होईल का वेगवान अर्धशतक अरबाजच्या नावावरती आहे 13 चेंडूमध्ये 50 धावा मागच्या मॅचमध्ये त्यांनी बनवल्या होत्या तर त्याचं रेकील रेकॉर्ड इथं ब्रेक होईल का रेकॉर्ड नेहमी ब्रेक होण्यासाठीच असतं आपल्याला माहिती आहे टेस्ट क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक 400 धावा ब्रायन लाराच्या नावावरती आहेत त्याच्या अगोदर तो रेकॉर्ड मॅथ्यू हिडनच्या नावावरती होता रेकॉर्ड ब्रेक होण्यासाठीच असतात मित्रांनो यावेळेला बघायचं 13 चेंडूमध्ये 50 धावांचा रेकॉर्ड ब्रेक करण्याची संधी त्याला येते आहे फुल टॉच चेंडू होता इथे प्रयत्न फसलाय मिस झालाय स्ट्रोक फलंदाज डकआउट कडे परतेल निर्धारित 3 षटकांचा खेळ संपलाय संघाची धावसंख्या पोहोचलेली आहे 53 विन किती आहे 54 टू विन 54 धावांची आवश्यकता आहे हे षटक खूप चांगलं ठरलं नडगाव संघासाठी 2 षटकांमध्ये उद्ध्वस्त केलं नडगाव संघाला त्यानंतर हळूहळू सावरण्याचा केला प्रयत्न आणि वा काय चांगलं कमबॅक 54 धावांची गरज आहे 17.50 ची सरासरी सामना जिंकण्यासाठी गरजेची आहे नडगाव कि तेलंगे आज सामना कोण जिंकेल उत्कंठा उत्सुकता थरार आपण सर्वजण पाहतोय
आज जर आपण बघितलं तर आमच्या अप्पर तुडील गावातले असंख्य मान्यवर या स्पर्धेचा आस्वाद घेताना आम्हाला बघायला मिळतात. खूप मोठमोठी व्यक्तिमत्व देखील दाखल झालेली आहेत. आबाल वृद्ध मंडळी इथे दाखल झालेली आहेत आणि त्यांच्यामध्ये एक वेगळाच उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्या उत्साहाला सलाम करावा लागेल. 54 धावांची गरज. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ इंटरेस्टिंग मोमेंट. सामना हाय वोल्टेज आहे. जर कुणाला हृदयविकाराचा त्रास असेल तर डोळे बंद करून सामना बघा, कारण तुम्ही तलाची बॅटिंग बघितलीत, अरबाजची बॅटिंग बघणं बाकी आहे. तलाला समानार्थी शब्द म्हणजे अरबाज आहे. तो अरबाज पुन्हा एकदा या मॅचमध्ये दुव्वादार बॅटिंग करेल आणि तलाचा देखील रेकॉर्ड ब्रेक करेल. 9 चेंडूमध्ये 40 धावा बनवल्या. त्यानंतर आपण बघितलं सलग 2 चेंडूमध्ये 2 धावा आल्या. 54 धावांचं टार्गेट आहे सेट केलंय नडगाव संघासाठी. 18 चेंडू 54 धावांची गरज असताना सेकंड इनिंगचं धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी मी तुम्हाला एक चलहा नाम का तूफान मैदान पर देखने को मिला. बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शानदार बल्लेबाजी तलहा के बल्ले से हमें देखने मिली और तलहा ने नरगांव के खिलाड़ियों से कहा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है. मेरी मंजिल आसमान है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा. और जिस तरह से बल्लेबाजी की वाकई में लाजवाब बल्लेबाजी. अब लेकिन कहीं मत जाइएगा शाइकिंग, शाम का वक्त है. यकीनन तलहा की बैटिंग हमने देखी है तो एक अरबाज नाम का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी नरगांव के टीम में है. रेस मिलत कर है, तलहा हाफिज साहब है, तो यकीनन बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा. कांटे की टक्कर देखने मिलेगी, एक बड़ा मुकाबला क्वार्टर फाइनल. इससे यहाँ पर आखिरी पड़ाव में ये आज के दिन का आखिरी पड़ाव और आखिरी पड़ाव में तो बेहतरीन टीमें इस खूबसूरत मैदान पर जद्दोजहद करती हुई. इस बीच चलो चलते हैं मैदान की तरफ. पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अनिकेत. इस टाइम पर अरबाज कौन जीतेगा आने वाला वक्त बताएगा. अनिकेत या अरबाज, गेंदबाज जीतेगा या बल्लेबाज गेंद जीतेगी या बल्ला जीतेगा आने वाला वक्त बताएगा. चलो राइट हैंड ओवर द विकेट दौड़ना शुरू कर. फुल टॉस गेंद बहुत ही तेज तर्रार गेंद फेंकी थी. यकीन रन आउट होने का खतरा. अरबाज नाम का बेहतरीन बल्लेबाज पहली गेंद पर आउट होता हुआ. यकीनन देख सकते हैं उत्साह, देख सकते हैं जोश, देख सकते हैं क्यों न हो तेलंगाना के खिलाड़ी हुआ क्यों न हो. और जानते हैं अरबाज जैसा बल्लेबाज पवेलियन में सस्ते में आउट होता हुआ. रन आउट के रूप में इस वक्त जरूरत थी अरबाज का मैदान पर टिके रहना, क्योंकि अरबाज जैसा बल्लेबाज अगर मैदान पर ज्यादा टिक पाता तो यकीनन खतरे की घंटी साबित हो सकती थी. नाकाम रन आउट के रूप में मायूस पवेलियन वापस आते हुए. और मैं तो कहूंगा कि रन आउट के लिए किसी शायर का एक बहुत ही बेहतरीन शेर कि मुझे तो अपनों ने लूटा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था. क्योंकि यहां पर उन्हीं के खिलाड़ियों की गलत रनिंग बिटवीन द विकेट एवं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अरबाज. लेकिन अवेश को अब अरबाज की कमी को पूरा करना होगा. नॉन स्ट्राइक पर तराफिज साहब है, अच्छे बल्लेबाज है. नरगांव के बारे में बता दें कि छोटा 20 घर का एक गांव, लेकिन किस तरह से क्रिकेट खेलता है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में. क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल रन अप. इस बीच उमेश के बल्ले से निकलता हुआ और कहते हुए कि अरबाज को मत मायूस होना, मैं अभी भी हूं, मैंने अब तक ये मैच हारी नहीं क्योंकि मैं अब मैदान पर हूं, मैं जीत के ही वापस आऊंगा अपनी टीम के सामने. 6 रनों के साथ स्कोर अपना खाता खोला, टीम का भी खाता खोला. अब जीतने के लिए 16 गेंदे और 47 रन अर्थात 46 रन. अड़तालीस रन, बहुत ही ऊंचा फल
रक्षी का भी गोइंग गोइंग गॉन आउट ऑफ द पार्क सीधा हिमजुल भाई के पास और गेंद छह रन के लिए। देखिए हिमजुल भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी आती है, क्यों ना आएगी। और रोहित तो बड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार दो गेंद दो सिक्सर, इनाम तो आना चाहिए, इनाम बनता है, बड़ा अच्छा खेलता हुआ वेस। एक होनहार यंग टैलेंटेड लेदर बॉल पे खेलने वाला एक खिलाड़ी अपनी जोहर दिखाता हुआ बैकफुट पर जाकर इस मरतबा जोरदार प्रहार किया, खराब फील्डिंग एक रन। यहाँ पर यकीनन चुनौती बढ़ी है, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी मोड़ लेती हुई, क्योंकि यहाँ पर अब वेस की बल्लेबाजी बाकी है, तलाहपी साहब की बल्लेबाजी, स्कोर है 13 रन। इस बीच पांचवी गेंद लेकर इस ओवर की बहुत ही बेहतरीन, देख सकते हैं कि ढलते हुए सूरज में एक बेहतरीन नजारा, इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट हुआ, कई में स्टैंडिंग ओवेशन करनी चाहिए, इस बल्लेबाज के जोरदार तालियां बजनी चाहिए, अपने आप को जमीन पर बैठकर ये शॉट कोई भी बल्लेबाज नहीं है, ये शॉट सिर्फ और सिर्फ तलाहपी साहब ही खेल सकते। वाकई में बहुत ही बेहतरीन लाजवाब दिलकश स्ट्रोक गेंद बॉयलाइन पार कर गई 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर हो चुका है 17 रन। अभी भी मैच में दोनों टीमें यहां पर अच्छा कमबैक किया है नरगांव ने, दोनों टीमें अभी भी इस मैच में बनी है हुई है, क्योंकि तलाहपी साहब और उवेस अच्छी बल्लेबाजी कर, अनिकेत को कमबैक करना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, नहीं तो यह मैच उनके हाथ से निकल जाएगा। इस बार फिर से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक बार फिर बैक टू बैक चौका जाता हुआ, जोश देखिए लगातार दो गेंदों में घुटना टेक, तमाशा देख, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शानदार उमदा बल्लेबाजी तलाहपी साहब और उवेस मीरज करके। इस 4 रन के साथ स्कोर 3 से बढ़ता हुआ 21 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदें और 33 रनों की जरूरत, 12 गेंदें 33 रन। जब शुरुआत में आए थे तो उनको 17.40 का औसत, 18 का औसत दरकार था शुरुआत से, लेकिन 21 रन बनाए, 3 रन ज्यादा बनाए, 3 रन ज्यादा बनाए, यकीनन इस वक्त विकेट जरूर खोया है अरबाज का। इसे कहते हैं कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द डिफेंस, और इसको हौसला कहते हैं, बुलंद हौसले के साथ खेलते हुए। मैं कहता हूं कि डर से बड़ा वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं, यहां पर इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए और कहते हुए कि हम अब तक बाजी हारे नहीं है, हम ये मैच जीत सकते हैं। अब 12 गेंदें और 33 रन, They require 33 run in 12 ball. बहुत ही बेहतरीन रोमांच भरा हुआ इस मैच में। इस बीच खिजर राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद को तेज प्रहार किया, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल करती हुई तेजी से बॉल लाइन पार कर गई 4 रन। बहुत ही बेहतरीन अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया, सही क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने मिलता हुआ, और गेंद बाजी पर टूट पड़े हुए दोनों बल्लेबाज, और ऐसे टूट पड़े हैं जैसे चीता अपने शिकार पर टूट पड़ता है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब उमदा शानदार बल्लेबाजी और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 25 रन। अब जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत, यकीनन ये मैच अब बिल्कुल बैलेंस है, मुतवाजन नजर आता हुआ, दोनों भी टीमें बहुत ही बेहतरीन खेलते, इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद को शॉट किया और अपने खिलाड़ियों के साथ अच्छी फील्डिंग करते हुए अभी भी कम बैक कर सकती है तेलंगाना, सिर्फ उन्हें अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी होगी, और नरगांव को अगर जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छा क्रिकेट, कोई भी टीम जीते लेकिन क्रिकेट की जीत होगी। क्रिकेट की परिभाषा को समझाते हुए यहाँ पर हमारे नायब सरपंच इनायत भाई देशमुख और माजी सरपंच साबिक सरपंच यहाँ आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। तो चलो चलते हैं मैच की तरफ। इस ओवर की 3री गेंद लेकर स्कोर है 26 रन, राइट हम ओवर द विकेट, बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर की शॉट किया, लेकिन यहाँ पर फील्डर तैनात है इस मरतबा, अच्छी कप्तानी, सही कप्तानी मैं कहूंगा तेलंगा के कप्तान की जाइब से, अब वहां पर फील्डर लगा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 27 रन की जरूरत, और गेंदे बची है 9 गेंदे 27 रन, प्रति गेंद पर हर गेंद पर 30 रन की जरूरत है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता हुआ इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे
बहुत ही बेहतरीन गेंद, यहाँ पर अच्छा कमबैक गेंदबाज खीजर की जानिब से। 8 गेंदे 27 रन 8 गेंदे कौन जीतेगा, तेलंगा या नरगांव? ये सवाल सभी शायकीन के जहन में गर्दिश करता हुआ बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला और दिमाग को सुन करने वाला मुकाबला तुहिल के इस तारीखी मैदान पर, इस खूबसूरत मैदान पर तारीख रचता हुआ ये मैच, इतिहास रचता हुआ ये टूर्नामेंट। और ऐतिहासिक टूर्नामेंट में दो बेहतरीन टीमें बहुत ही बेहतरीन मुकाबला करती, इस वक्त रनअप से चुके। 8 गेंदे 27, इसमें से जो जीतेगा वो तुड़ील के साथ खेलेगा इसके मैच, इसके बाद जो मैच होगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस बीच फुल टॉस गेंद वहां पर, लेकिन नो बॉल। देखिए ये होता है क्रिकेट, यह नो बॉल इस वक्त बहुत महंगा साबित हो सकता है। यहां पर नो बॉल और एक रन, यहां पर फायदेमंद दो रन, इन दो रनों के साथ स्कोर पहुंचा 29 रन। अभी भी 8 गेंदे और 25 रन, कौन जीतेगा, नरगांव या तेलंगा, खिजर या तलाफिस साहब या खिजर? तमाम शायकीन की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई, टिक टिकी बांधे देख रहे हैं और हर मैच का हर गेंद का मजा लेते हुए। इस बीच आइटम ओवर द विकेट और ऊंचा खेले, वहां पर कैच होने का खतरा, जी जान लगाई तेज दौड़, ये कैच नहीं ये मैच है, लेकिन नो बॉल था, फ्री हिट है, यहाँ पर आउट नहीं हो सकते। बल्लेबाज दो रन के लिए भागे। अब आखिरी गेंद, 7 गेंदे 23 रन, दे रिक्वायर 23 रन इन 7 बॉल, 7 चेंडू 23 धावांची गरज, सामना आवडला असेल प्रेक्षकांनो तर टाळ्यांचा गजर नक्कीच झाला पाहिजे। जबरदस्त क्रिकेट तुड़ील के इस ऐतिहासिक मैदान पर, यहाँ पर अभी भी दिल की धड़कने तेज है, हिमशुल भाई बड़े की ध्यान से देख रहे हैं, उनकी टीम के उम्मीदें उनसे वाबस्ता है। यकीनन ये जितनी भी तारीफ की जाए अफजुल भाई की, हमेशा अपने क्रिकेटरों का हौसला। इस बीच हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते थे, खिजर ने अच्छा कमबैक किया, ये डॉट गेंद, ये बिंदी गेंद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएगी। आखिरी 6 गेंद का खेल बचा है और जीतने के लिए 23 रन। सागर सर काय सांगणार, शेवटचे 6 चेंडू आहेत आणि 23 धावांची गरज, सामना आपण प्रेक्षकांना आनंद लुटता पाहते, नक्कीच हृदयाचा जर आजार असेल त्यांनी हा सामन्याकडे डोळे बंद करून सामना पाहायचा आहे। काय सांगणार तुम्ही या सामन्याबद्दल? नक्कीच पैसा वसूल सामना इथे क्रीडा रसिकांना पाहायला मिळतोय। आज खरं तर ही स्पर्धा बघण्यासाठी हजारो क्रीडा रसिक इथे दाखल आहेत आणि सो एन्जॉयमेंट, प्रत्येकामध्ये एक वेगळा उत्साह बघायला भेटतोय। 6 चेंडू 23 धावांची गरज, सामना दोन्ही संघांसाठी ऑन असेल, गोलंदाजीसाठी आलाय, ज्याने फलंदाजी करत असताना 44 धावांची एक अप्रतिम बॅटिंग केली तोच त्याला गोलंदाजी मार्गवरती हिरो बनण्याची आहे संधी। जाऊया 6 चेंडू 23 धावांची गरज, ओव्हर टू मुनी सर। थँक्यू सागर सर। ये टूर्नामेंट 50,000 लोगों ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट को देखा है, जबरदस्त ये टूर्नामेंट। तारी की पहली गेंद पर यहाँ पर आता हुआ शानदार सिक्सर, ये सिक्सर आएगा तो बात बनेगी नरगांव के लिए। अभी भी मैच बनी हुई है, 5 गेंदे 17 रन 5 गेंदे, आखिरी 5 गेंदे, कौन जीतेगा, हर एक दिमाग में सवाल गर्दिश करता हुआ। लेकिन फिलहाल शायकीन इस मैच से लुत्फानंदोज होते हुए, व्हाट अ मैच, इंटरेस्टिंग मैच, एवरी स्पेक्टेटर इज स्टिल थिंकिंग व्हिच टीम इज गोइंग टू विन दिस मैच, बट हूएवर विन दिस मैच, क्रिकेट विल विन डेफिनेटली। ये पास संपायतला एंड बॉल, व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ कमबैक, ये क्रिकेट है। क्रिकेट में आपको वापसी करने का मौका होता है, इस बार तला ने वापसी की है, 4 गेंदे 17 रन, तला के हुए उवेस के तलवा, तला या नरगांव के तेलंगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौका दिया है, मौका बना के दिया तला ने, अच्छे ऑलराउंडर, अच्छी बल्लेबाजी, उनका हौसला बुलंदी पर। लेकिन उमेश मिरजकर भी मैच में वापसी लगा सकते हैं, 4 गेंदे 17 रन।
सूरज ढलता हुआ और ढलते सूरज में ये तारीकी मुकाबला। इस बीच ऊंचा शॉट के लिए गेंद जाएगी छरण। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, सूरज का डूबना अभी बाकी है, शाम का ढलना अभी बाकी है, मत जाओ शायकीन, अभी वेज की तूफानी बल्लेबाजी बाकी है। वह कहीं में फलक शिगाफ सिक्सर, इट्स एन एक्सलेंट शॉट फ्रॉम वेज विद द हेल्प ऑफ सिक्सर। नाउ वी कैन सी द रिक्वायर्ड 11 रन इन थ्री बॉल, तीन गेंदे 11 रन, 3 गेंदे, क्या मैच है, व्हाट अ मैच, इट्स एन इंटरेस्टिंग मैच। पैसा वसूल सामना प्रेक्षक पाहायला मिळते, जबरदस्त फलंदाजी, कधी सामना नरगाव करे तर कधी तेलंगा सळे, जबरदस्त क्रिकेट तुळीच्या या ऐतिहासिक नगरीवर आपल्याला अनुभव येत आहे। एक बार फिर 3 गेंदे 11 रन धडकते दिलों के साथ, बहुत ही बेहतरीन अच्छा कमबैक, जबरदस्त गेंदबाजी। यह क्रिकेट होता है तलहा, तलहा या उएस, उएस या तलहा, अभी भी देखिए बड़े खिलाड़ी हैं, ये जानते हैं मैच को किस तरह वापस लाना है। शायकीन तालियां बजाते हुए, क्यों ना बजाएं, ये मैच तो रोमांचक मैच है, दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला मुकाबला, हार्ट बीट बढ़ाता हुआ मुकाबला। 2 गेंदे 11 रन, ये गेंद निर्णायक होगी सागर सर, ये फैसला कौन होगी, ये गेंद पे अगर बड़ा शॉट आता है तो यकीनन मैच नरगांव की तरफ। अगर और देखिए व्हाट अ शॉट, कहीं मत जाएगा, ये मैच अभी भी बाकी है, कहानी में ट्विस्ट है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है। आखिरी गेंद 6 रन, जिनके हौसले बुलंद होते हैं मंजिले बढ़कर उन्हीं को सलाम करती है, खिलाड़ियों के हौसले बुलंद, तमाशाइयों के देख सकते हैं तमाशे किस तरह से, शायकीन किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, सरपंच साहब का स्वागत करते हुए यहाँ पर देखिए मैच क्या हुआ है। ये सरपंच चषक का थरार है, ये सरपंच चषक है दोस्तों, सरपंच चषक का थरार और सरपंच चषक का रोमांच हम देख कंपल्सरी जैसे। एक गेंद 6 रन, जी जिनको दो दिल के मरीज हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मैच को ना देखे, अपनी ये मैदान की तरफ अपनी पीठ करें, हम आपको इसको स्कोर बताएंगे, मैच मत देखिए, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लेकिन मैच बड़ा बेहतरीन होता हुआ, जबरदस्त मुकाबला, ये सरपंच चषक है, सरपंच चषक हर साल तारीख रचता है, इतिहास रचता है, इस बार भी इतिहास रचता हुआ, क्या मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला, कांटे की टक्कर में कौन जीतेगा, तलहा या उवेस, तेलंगा या नरगांव, ये सवाल सभी शायकीन के जहन में गर्दिश करता हुआ। खुद हमारे समालोचक कमेंटेटर बहुत ही इंजॉय करते हुए, लास्ट गो, ऑल द आईज ऑन दिस बॉल, सबकी नजरें इस बॉल पर, तालियां बजाइए, जबरदस्त मुकाबला, पैसा वसूल सामना, दिल की धड़कनों को तेज करने वाला मुकाबला, कोई भी जीते लेकिन क्रिकेट की जीत। बहुत ही बेहतरीन गेंद और देखिए गेंदबाज तरहा ने ये मैच अपनी तरफ, लेकिन तारीफ करिए, जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए, जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए, नरगांव एक छोटा सा गांव लेकिन आखिर तक लड़ते रहे। वेस के लिए 100 रुपए का, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, व्हाट अ मैच, इट वाज एन अमेजिंग मैच, एक्सलेंट मैच, एवरी स्पेक्टेटर हैज एक्सपीरियंस अ ग्रेट मैच बिटवीन तेलंगा एंड शम्स 11 तेलंगा एंड नरगांव, हैट्स अप टू यू, हार्ड लक। लेकिन मैं वेस तुमसे कहना चाहूंगा कि शिकस्त हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, शिकस्त फतह तो ये मुकद्दर की बात है, मुकाबला तो दिले नाथवा ने खूब किया, वेल प्लेड वेस, हार्ड लक नरगांव टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू तेलंगा। यहाँ पर वेस आए 100 रुपए का इनाम है और इमरान देशमुख लोरे इनकी जानिब से हर मैन ऑफ द मैच के लिए मेडल है, सुपर टेक्नोलॉजी पैथोलॉजी लेबोरेटरी, ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट डन हियर, होम सर्विसेज अवेलेबल, आप कॉन्टेक्ट, मैन ऑफ द मैच तलहा, मैन ऑफ
यहाँ पर आए, 100 रुपए का इनाम ले हुए, हार्ड लक, मायूस मत होना। तुड़ील के कप्तान इनायत भाई, नाइफ सरपंच से गुजारिश करूंगा कि टॉस कराए। टॉस होगा, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला तेलंग शम्स 11 तेलंगा वर्सेस तुड़ील, 3 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर का मुकाबला। बैटिंग तेलंगा ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी तेलंगा के कप्तान यहां पर आए नवीन। यूट्यूब जिस तरह से यूट्यूब कैमरामैन जिस तरह से इसे पहले मुकाबला हुआ नरगांव और